नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। लोजपा के राजगीर में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में औरंगाबाद से कार्यकर्ताओं की व्यापक भागीदारी होगी। विधानसभा चुनाव में रफीगंज से प्रत्याशी रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रशिक्षण शिविर में औरंगाबाद जिले से करीब 10,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद जिले में पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है, इस कारण प्रशिक्षण शिविर को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। शिविर में पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पार्टी के सभी 13 जिला स्तरीय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी एवं सक्रिय कार्यकर्ता उत्साह के साथ भाग लेंगे। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए ले जाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। शिविर में 10,000 कार्यकर्ताओं की भागीदारी की उन्हें उम्मीद है। प्रेस वार्ता में दलित सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व जिला पार्षद अजय पासवान, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी सुधीर शर्मा, मंटू सिंह, राजीव सिंह, पंचायत समिति सदस्य उदय पासवान एवं सुनील पासवान आदि मौजूद रहे। 22, 23, 24 सितंबर को राजगीर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है, उसकी भव्य तैयारी है। पूरे बिहार से सभी कार्यकर्ता राजगीर में आएंगे और औरंगाबाद जिला का उपस्थिति संख्या में रहेगा। यहाँ संगठन बहुत मजबूत है और यहाँ बूथ स्तर तक 11 प्रखंड में सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सक्रिय हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष सक्रिय हैं और बूथ स्तर तक यहाँ पे संगठन तैयार है और सभी प्रशिक्षण के लिए राजगीर 22, 23, 24 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, जो औरंगाबाद का एक पूरे बिहार में स्थान रहेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हावड़ा जाने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। इस ट्रेन की शुरुआत होते ही धनबाद और आसपास के छोटे बड़े कारोबारी, व्यवसायी और दुकान